हेलो फ्रेंड्स, अंशुस कुजिन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंजी टैंगी डिजर्ट। एक ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है, आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने स्वीट कॉर्न पेस्ट लिया है, कॉर्न को मैंने लेकर उसका पेस्ट रेडी कर लिया था। ये ऑरेंज जूस है, हाफ ग्लास है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है जिसको मैंने कट कर लिया है। 1 चम्मच घी है और थोड़ी सी इलायची दाना को मैंने कूट लिया है। और 1 चम्मच चीनी है, चीनी आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने गैस गैस पे एक कढ़ाई रखा है, अब मैं इसमें घी डालूंगी। ये घी को हमारा मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें कॉर्न पेस्ट डाल देंगे। हमें अब इसे अच्छे से भूनना है, चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। ये देखिए मैंने लगभग इसे 5 मिनट लगभग भून लिया है। चारों तरफ से देखिए, चारों तरफ से हमारा कढ़ाई में छोड़ दिया है कॉर्न पेस्ट, भून लिया है मैंने। ये देखिए अब मैं इसमें ऑरेंज जूस डालूंगी। हमें ऑरेंज जूस पूरा नहीं डालना, हम इसे हाफ डालेंगे। ये देखिए, और हम इसे मिला लेंगे। हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे रिड्यूस होने देना है। अब हम चलाते ही रहेंगे इसे। ये देखिए हमारा जो ऑरेंज जूस था वो अच्छे से पक चुका है, कॉर्न भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं एक इंग्रेडिएंट्स दिखाना भूल गई थी। मैंने एक कोकोनट लिया है, ग्रेट कोकोनट, हम इसे भी ऐड करेंगे। ये देखिए हमें कोकोनट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालनी है, इसे 2 से 3। इलायची पाउडर और चीनी है, इसे भी हम डाल देंगे। आप मीठा अपने हिसाब से डालिए, अगर आप मीठा कम खाते हैं तो मीठा कम डालिए, अगर ज़्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से डालिएगा आप। और अब हम थोड़ा सा ऑरेंज जूस और डालेंगे इसमें, ताकि हमारी चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए और जले नहीं, और हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमें इसे मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए पकाना है, 5 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा ऑरेंजी टैंगी डिजर्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसके इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमने गैस भी ऑफ कर दिया है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।